सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल रैंक्स यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिस ट्रिक को यूज करके आप अपने स्लो इंटरनेट स्पीड को काफी अच्छा बूस्ट कर सकते हो, या फिर कह लो कि अपने इंटरनेट की स्पीड को काफी अच्छा खासा इंक्रीज कर सकते हो। सो गाइस, जिस ट्रिक के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, और ये ट्रिक 100% वर्क करती है। इसलिए मैं आपको एक हैंड कैम वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें हर चीज मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, और आपको ये ट्रिक कैसे यूज करना है, ये ट्रिक कैसे काम करते है, ये सब चीज आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखते रहना, और साथ ही साथ अगर आप पबजी खेलते हो तो आपको पता होगा कि स्लो इंटरनेट स्पीड होने के कारण जो आपका पबजी का पिंग होता है वो काफी हाई हो जाता है। ये ट्रिक इस टाइम पे भी काम करेगी जिससे आपका जो पिंग है वो काफी लो हो जाता है। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां पे आप पबजी मोबाइल के अच्छे खासे मॉन्टेज वीडियो भी देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस, अगर वो वीडियो भी अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और उसके बाद जो इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं वो ट्रिक आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी लाइक करके इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और यहां पे इस वीडियो में, इस हैंड कैम वीडियो में कोई भी कट नहीं लगने वाला, तो इस वीडियो को इसलिए पूरा देखते रहना, इसमें सब चीज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो मैं सबसे पहले अपना यूट्यूब ओपन कर लेता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब का ऐप ओपन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरनेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, इसलिए यहाँ पे जो यूट्यूब का होम पेज होता है वो भी यहाँ पे ठीक से रिलोड नहीं हो पा रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपना इंस्टाग्राम ओपन करके। तो यहाँ पे मैं अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम पेज भी ओपन हो चुका है, लेकिन जो इसका होम पेज पे जितने भी इमेजेस हैं, यहाँ पे स्टोरी के सेक्शन में भी आप देख सकते हैं, जो इसके इमेजेस हैं वो भी ठीक से रीलोड नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जो इंटरनेट कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है। और यहाँ पे मैं जियो का इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, जियो सिम से 4G कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे इसके बाद मैं आपको इंस्टाग्राम क्लोज़ करके आपको इस जो अभी इंटरनेट की स्पीड है वो आपको स्पीड टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम पे speedtest.net का पहले से ही पेज ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये पेज ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जो स्पीडोमीटर होता है इसका वो कनेक्टिंग में दिखा रहा है, और नीचे आपको फाइंडिंग ऑप्टिमल सर्वर का भी एक ऑप्शन मिलेगा। नेट स्लो होने की वजह से ये जो कनेक्टिंग है वो का ज़्यादा टाइम ले रहा है, और यहाँ पे जो सर्वर है वो भी फाइंड नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो इंटरनेट कनेक्शन है जियो का वो काफ़ी ज़्यादा अभी स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज़ करके आपको दिखा देता हूँ आपको इस ट्रिक को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए अपना डायल पैड ओपन करना है, और यहाँ पे आपको किसी भी नंबर पे डायल कर देना है। आपको उसी सिम से डायल करना है जिस सिम से आप अपना नेट यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे फर्स्ट 4G जो जियो सिम है उससे अपना नेट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे जियो सिम से ही मैं एक कॉल लगा लेता हूँ। कॉल लगाने के बाद आप देख सकते हैं ये जो कॉल थी वो रिसीव हो चुकी है, और इस कॉल को रिसीव होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस पेज को मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करने के बाद आप देख सकते हैं जो अभी मैं कॉल है वो भी ऑन गोइंग कॉल पे है, अभी भी कॉल कनेक्ट है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपना यूट्यूब ओपन करके। तो यहाँ पर मैं अपना यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल कनेक्ट होने के बाद आप देख सकते हैं YouTube का जो होम पेज है वो तुरंत ही यहाँ पे रिलोड हो गया, और यहाँ पे सभी थंबनेल्स आपको साफ साफ दिख जाएंगे। इसके बाद मैं अपना Instagram ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो Instagram है उसका जो स्टोरी सेक्शन है वो भी आपको साफ साफ फोटोज़ दिख रही होंगी, लेकिन यहाँ पे जो इसके पोस्ट हैं वो आपको साफ नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे इसका पेज मैं एक बार रीलोड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसके रीलोड करने के बाद इसके जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको तुरंत प्ले हो जा रहे हैं, और यहाँ पे जो कॉल कनेक्ट के पहले यहाँ पे इसके जो इमेजेस भी ठीक से रीलोड नहीं हो पा रहे थे, लेकिन कॉल कनेक्ट करने के बाद आपके जो Instagram के वीडियोज़ हैं वो भी ठीक से प्ले होने लग गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो इंटरनेट थोड़ा सा फास्ट हो गया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी स्पीड टेस्ट करके। तो इसको मैं इस पेज को वापस से रीलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेज रीलोड हो चुका है, और यहाँ पे आप नीचे देख लीजिए जियो भोपाल का सर्वर भी यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, और इसके बाद जो इसका स्पीडोमीटर होता है वो भी ऑटोमेटिक कनेक्ट होकर स्टार्ट हो गया है। तो गाइस, कॉल कनेक्ट करने के बाद ये जो इसका जियो 4G का इंटरनेट कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे जो आपको यहाँ पे पहले जो
कमियां दिख रही थी वो अभी नहीं देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड MBPS आपको 1.68 का और पिंग 37 का मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे इस आपको मैं वापस से दिखा देता हूँ सेटिंग पे जाके कि मैं अभी कौन सी सिम यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको सिम कार्ड्स पे ऑप्शन पे जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जियो 4G का अभी सिम यूज़ कर रहा हूँ, उसी का नेट यूज़ कर रहा हूँ और ये ट्रिक जियो 4G सिम पे अच्छे से काम कर रही है। अब मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो कॉल है अभी भी यहाँ पे कनेक्ट है। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ इस ट्रिक से रिलेटेड एक जरूरी इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि मैंने कि इस वीडियो में एक जियो सिम यूज़ किया इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये ट्रिक 100% काम करती है जियो सिम यूज़र्स के लिए। अगर आपके पास जियो सिम के अलावा दूसरा कोई सिम है जैसे कि आइडिया फिर एयरटेल, तो आप इस ट्रिक को एक बार यूज़ करके देख सकते हैं। और उस सिम से अगर कॉल कनेक्ट होते हुए भी आपका जो इंटरनेट है वो अगर सही से चलता है तो आपको ये ट्रिक 100% काम करने वाली है। तो वैसे इस ट्रिक को आप आइडिया फिर एयरटेल यूज़र हैं तो इस ट्रिक को एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर काम करती है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो बस गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।